दोस्तों, ये नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग के ठीक 7:15 हो रहे हैं और कल हम रायवाला पहुंच गए थे ऑलमोस्ट 11:47-48 पे, सॉरी 11:50 पे कल हम रायवाला पहुंच गए थे। अभी हमारे लेफ्ट साइड में सत्यनारायण मंदिर, तो एक दिन हम रुके हैं कल रायवाला और हम इस ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहे हैं। 7:15 हम निकले हैं यहाँ से और ऋषिकेश अभी 14 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, जबकि है 10 किलोमीटर। तो फिलहाल ऋषिकेश की तरफ बढ़ रहे हैं हम और फॉग देखिए आप कितना लगा हुआ है इस तरफ, बहुत भयंकर फॉग लगा हुआ है। तो यहाँ से लेफ्ट हम देहरादून चले जाएंगे, पांवटा साहिब चले जाएंगे, हम सीधे जाएंगे इस पुल से। वैसे देवभूमि उत्तराखंड में इतना फॉग लगता नहीं है, मगर इस बार मुझे पहली बार इतना फॉग दिखा है। हरिद्वार साइड तो लगता है, मगर रायवाला ऋषिकेश इस बेल्ट पर कम लगता है। जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, तो ये फॉग भी छट जाएगा। तो फिलहाल ऋषिकेश की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे आएगा श्यामपुर फाटक। तो ये श्यामपुर फाटक है दोस्तों, तो बस एक यही जाम का कारण है, थोड़ा सा यहाँ पे जाम लगता है। तो इस जाम से बचना है तो आप वाया चीला भी आ सकते हैं, थोड़ा आपका राजा जी नेशनल पार्क की सफारी भी हो जाएगी। श्यामपुर फाटक हमने क्रॉस कर दिया, मॉर्निंग में तो आपको पता ही है यहाँ पे कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ होती नहीं है। तो कल से ठंड थोड़ी ज़्यादा हो गई है यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि बर्फ़बारी ना मिल जाए हमें, हो सकता है हमें बर्फ़बारी मिल देखने को मिल जाए धनौल्टी में। तो श्यामपुर बाईपास आ गया दोस्तों, यहीं से हमें लेफ्ट होना होता है आपका नटराज चौक के लिए, फिर वहाँ से हम चंबा के लिए चढ़ेंगे, मगर मैं आगे से जाऊँगा वरना हमें यहीं से लेफ्ट होना पड़ता है चंबा के लिए, चंबा टेरी और आपका धनौल्टी के लिए हमें यहीं से लेफ्ट होना पड़ता है। फिलहाल आगे बढ़ गए हैं, 7:20 हो गए, 5 मिनट लगे हमें रायवाला से यहाँ तक पहुँचने में। पीछे तो श्यामपुर बाईपास आया था, वहाँ से मैं आपको लेफ्ट बता रहा था, तो हम यहाँ से भी लेफ्ट हो सकते हैं। सीधे जाए तो दोस्तों हम सिटी में चले जाएंगे, मगर हमें सिटी में नहीं जाना है तो हम यहीं से लेफ्ट हो जाएंगे और ये फाटक क्रॉस करके हम उसी रोड से लिंक हो जाएंगे जिस रोड को हमने पीछे आपको दिखाया था। सामने से वही रोड आ रही है जिसको मैंने आपको श्यामपुर बाईपास पर दिखाई थी और हम कर गए अब मेन हाईवे से लिंक और हम यहां से निकलेंगे अब नटराज चौक। तो ऋषिकेश के नए रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं जिसका नाम है योग नगरी ऋषिकेश, नया ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। यहां से लेफ्ट हो जाएं तो हम नए रेलवे स्टेशन की तरफ चले जाएंगे ऋषिकेश के, जो बहुत ही शानदार बना है, बिल्कुल कटरा जैसा लगता है, जैसे माता वैष्णो देवी कटरा का स्टेशन है। तो नटराज चौक पहुंच गए दोस्तों हम और अभी 2 मिनट हैं 7:30 में, यहाँ से राइट सिटी के लिए चले जाएंगे ऋषिकेश और सीधा जाएंगे हम चंबा और आपका गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, टिहरी डैम। तो हम सीधे हो गए यहाँ से धनौल्टी के लिए, मसूरी के लिए, उत्तरकाशी के लिए, ये रास्ता जाता है ऋषिकेश से। अब यहाँ से हम देहरादून डिस्ट्रिक्ट पीछे छोड़ चुके हैं और हम एंटर कर गए हैं टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। तो अब यहाँ से हमारा हिल शुरू हो गया दोस्तों, यहाँ से 65-70 किलोमीटर के बीच में दूरी है आपकी चंबा की और वहाँ से 30 किलोमीटर ठीक है धनौल्टी और धनौल्टी से ठीक 30 किलोमीटर है मसूरी और वहाँ से ठीक 40 किलोमीटर है नीचे आपका देहरादून। तो पूरा कवर करके दिखाऊंगा आज आपको, रोड बहुत बढ़िया बना हुआ है यहाँ से चंबा तक, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और अगर आप कम ड्राइव करते हैं हिल्स पे तब भी आपको यहाँ दिक्कत नहीं होगी, बस आपको अपनी साइड चलना है और मोड़ों पे हॉर्न का प्रयोग करना है इस तरीके से। फिलहाल पहुंच गए दोस्तों हम भद्रकाली चेक पोस्ट पे, यहाँ से राइट हो जाएं तो हम राम झूला लक्ष्मण झूला के लिए चले जाएंगे और हम जाएंगे यहाँ से लेफ्ट टिहरी के लिए,
सॉरी चंबा के लिए। तो ये चेक पोस्ट है, भद्रकाली मंदिर है यहाँ पे सामने, आपने देख लिया माता भद्रकाली माता दी। देखिए टर्बाइन जा रही है लेफ्ट साइड में, ये जा रही है टीरी डैम। तो इस रोड का बेनिफिट सबसे बढ़िया ये है कि टीरी डैम की वजह से ये रोड सबसे पहले से ही विकसित है, उत्तराखंड की सबसे विकसित रोड है ये, विकसित मतलब सबसे अच्छी रोड यही थी पहले, और ये पहले से सबसे पहले जो ऑल वेदर रोड बनी है वो भी यही थी, क्योंकि टीरी डैम की वजह से बड़ी बड़ी टर्बाइनें जाती थी, जेनसेट जाते थे, जिस वजह से इस रोड को पहले से ही मेंटेन करा हुआ है। मैंने आपको थोड़ा सा किलोमीटर ज़्यादा बता दिए। अभी जिस पॉइंट पर हम हैं यहाँ से 55 है, तो भद्रकाली से लगभग लगभग मेरे ख्याल से 58 किलोमीटर था चंबा, क्योंकि 3 किलोमीटर करीब ही आए हैं अभी हम, और रोड की क्वालिटी तो आप देख ही सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। तो इतना बढ़िया रोड है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है गाड़ी चलाने में, और आप देहरादून के जाम से बचेंगे यहाँ पे, और जो धनोल्टी का जाम है उससे बचेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि विंटर में जब बर्फ़बारी हो जाएगी ना यहाँ पे, तो आपको वापस नहीं लौटाएगा कोई इस रास्ते से, चाहे कितनी भीड़ हो, आप इस रास्ते से बड़े आराम से जा सकते हैं। ये हो सकता है कि आपको कान्हाताल रुकना पड़ जाए अगर ज़्यादा बर्फ़बारी की वजह से रास्ता बंद हो जाए तो, मगर वापस कोई नहीं लौटाएगा। मसूरी वाली बैठ में भी सीजन पे बहुत जाम लगता है, बहुत ज़्यादा जाम लगता है। ये तो वैसे भी यात्रा तो बंद है, ये तो नॉर्मल ऐसा ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा बिल्कुल। आप इसमें विंटर में भी आएंगे तब भी आपको यहाँ पे कोई जाम नहीं मिलेगा, ऐसी रहेगा। यात्रा के टाइम पे भी ज़्यादा इफेक्ट इस रास्ते को होता नहीं है। तो अभी 50 किलोमीटर के आसपास बची है दूरी, और हमने एक ब्रेक लिया है, और आपको ऋषिकेश दिखाता हूँ यहाँ से। तो इतना क्लियर तो नहीं आ रहा होगा, मगर ये सारा ऋषिकेश है, और हम जा रहे हैं चंबा की तरफ। चलिए आगे चलते हैं। तो पीछे रुके थे हम, सोचा था थोड़ी रील्स वगैरह बनाएंगे दिक्कत ही हो गई कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे, और अभी हम नरेंद्र नगर पहुँचने वाले हैं, सामने से धूप देखी आप फेज पड़ गई, तो नेटवर्क ना आने की वजह से इंस्टाग्राम की रील बन नहीं पाई हमारी। खैर हाईवे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है ये, आप आराम से थर्ड गियर डालो अपनी गाड़ी में और 50 की स्पीड मेंटेन करके चलो, 40-50 बड़े आराम से एंजॉय करते हुए। तो आगे आएगा दोस्तों नरेंद्र नगर अभी, उसके बाद आगरा खाल आएगा, फिर आगरा खाल के बाद हम नीचे पहुंचेंगे, और फिर आएगा चंबा, चंबा से फिर 30 किलोमीटर आगे आएगा धनोल्टी। कट आ गया है, यहाँ से हम लेफ्ट हो जाएं तो हम नरेंद्र नगर शहर से होते हुए भी उसी रास्ते में जाके मिलेंगे, मगर हम जाएंगे बाईपास से, क्योंकि शहर में थोड़ा रोड है कंजस्टेड है, तो हम बाईपास से जाएंगे, और आप भी जब आओगे यहाँ पे तो आपको बाईपास से ही जाना होगा। रोड शानदार बना हुआ है फिलहाल। दोस्तों ये है टीरी के राजा का महल, और देखिए पुराने जमाने की तोप भी रखी हुई। तो फिलहाल हम नरेंद्र नगर क्रॉस कर चुके हैं, और चंबा रह गया मात्र 43 किलोमीटर, और मुझे लगता है हम आधे घंटे या पौने घंटे में कवर कर लेंगे चंबा। धरासू बैठ गया 124 किलोमीटर तो आपको अगर इस रूट का
पहले का मेरा वीडियो देखना हो तो आप मेरी वीडियोस में जा सकते हैं, गंगोत्री धाम वाला उत्तरकाशी वाला वीडियो देख सकते हैं, मैंने पूरे रूट को कवर किया हुआ है। तो गंगोत्री धाम दोस्तों हम इसी रास्ते से गए थे और काफ़ी अच्छा रास्ता बना हुआ है ये उत्तरकाशी तक, बहुत ज़बरदस्त और अच्छा। उत्तरकाशी के बाद थोड़ा सा ये छोटा हो जाता है चौड़ाई में रोड, ये देखिए नरेंद्र नगर यहाँ पर निकलता है, तो हमने नरेंद्र नगर क्रॉस कर दिया फिलहाल। अब आगे आएगा पकौट और उसके बाद आएगा आगरा खाल, और यहाँ पे देखिए कितना जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ हुआ, रोड ही गायब हो गई है, रोड डेवलप करी गई है दोबारा, नई रोड की कटिंग होगी यहाँ पे। आज पूरे हम आई थिंक 6 महीने बाद उत्तराखंड वापसी हुई है हमारी। हाँ 6 मंथ हो गए मैं ऑलमोस्ट। लास्ट वॉक हमारा था ऋषिकेश से पौड़ी। यहाँ से राइट हो जाए तो हम चले जाएंगे, एक प्रसिद्ध मंदिर है, नाम भूल रहा हूँ, तो आप रोड कंडीशन से देख सकते हैं कितनी बढ़िया है, और टॉप पर है मंदिर वहाँ पे सामने माता का, और मैं नाम भूल रहा हूँ, मेरे दिमाग से नाम उतर गया। हर्षिल दोस्तों यहाँ से 217 किलोमीटर रह गया, आगे आगरा खाल आने वाला है, आगरा खाल से फिर लगातार हम नीचे उतरेंगे। अभी हम जो आपका भद्रकाली का चेक पोस्ट ऋषिकेश में आया था वहाँ से हम लगातार ऊपर चढ़ रहे हैं, और ये 22 किलोमीटर के करीब हम चढ़ते हैं ऊपर, उसके बाद फिर हम खाड़ी तक 12 किलोमीटर नीचे उतरेंगे, भाई को बहुत जल्दी है। फिर हम नीचे उतरेंगे, नीचे उतरने के बाद फिर हम आपका चंबा तक फिर से ऊपर चढ़ेंगे, फिर चंबा से लगातार हम सुरकंडा देवी तक ऊपर चढ़ेंगे, फिर सुरकंडा देवी से हम नीचे उतरेंगे लास्ट के 5-7 किलोमीटर। तो ये रूट है आज पूरा, कहाँ चढ़ाइए कहाँ उतराइए, तो फिलहाल तो चढ़ ही रहे हैं ऊपर की तरफ। रोड इतना बढ़िया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी ड्राइव करने में, यहाँ पे बस अपनी साइड चलते रहिए। ऋषिकेश से ठीक 22 किलोमीटर बाद एक दूधाधार करके जगह पड़ी है, और अभी मार्केट यहाँ खुली नहीं है, आप देख सकते हैं। कितना भी ज़्यादा प्लेन में फॉग हो कुछ भी हो मगर यहाँ पे मौसम हमेशा खुला ही रहता है पहाड़ों में। तो दोस्तों हम आगरा खाल पहुँच गए हैं फिलहाल, और आगरा खाल हमने कर दिया क्रॉस। गंगोत्री 236 है दोस्तों यहाँ से, और उत्तरकाशी 136, चंबा और 33 से करीब है, और टीरी 43, तो पता ही नहीं चला। और 8:10 हो गए, यानी हमें 1 घंटा हो गया रायवाला से, जहाँ से हमने आज ये दोबारा से रीस्टार्ट किया है, और दिल्ली से हमें हो गए लगभग बताया था आपको, तो लगभग 4.25 घंटे हुए हैं दोस्तों में दिल्ली से चले हुए अगर मैं मानूँ। और हम पहुँच गए हैं खाड़ी, पहुँचने वाले हैं ऑलमोस्ट हम, और इसी हिसाब से चले तो हम मुझे लगता है 5.5 घंटे में हम दिल्ली से धरौल्टी पहुँच जाएंगे वाया चंबा। इसमें आप मॉर्निंग में चलो या दिन में चलो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, यह बिल्कुल फ्री हाईवे रहता है। तो एक टिप्स देना चाहूंगा आपको, आप जैसे गाड़ी मेरी लगातार आगरा खाल से नीचे की तरफ उतर रही है और एक खाड़ी तक नीचे उतरेगी, खाड़ी एक जगह आएगी दोस्तों वहां तक नीचे उतरेगी, तो आपको गाड़ी को गियर में डाल के उतारना है, जैसे कि मैंने इसे 4th गियर में डाल रखा है और ये 50 की स्पीड पे उतर रही है आराम से, मैंने क्लच से फेरा डाल रखा है, और अगर मुझे 50 से नीचे करनी है स्पीड तो मैं इसे 3rd गियर में डाल दूंगा, तो ब्रेक पे नहीं उतारूंगा कि हर मोड पे मैं ब्रेक दबाऊं, जिससे कि ब्रेक गर्म ना हो मेरे, ब्रेक गर्म हो जाएंगे घिस जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, गाड़ी आपकी खड़ी भी हो सकती कहीं भी ब्रेक हीट होकर।
रेवाड़ी हम पहुंचने वाले हैं और आप सामने व्यू देखिए कितना जबरदस्त आ रहा है सुबह सुबह। 8:20 हो गए हमें फिलहाल और हम खाड़ी पहुंचने वाले हैं। तो 1:10 के आसपास हो गया हमें रायवाला से चले गए। तो दोस्तों फिलहाल हम पहुंच गए हैं खाड़ी, जिस जगह का मैं नाम ले रहा था, और अब यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी रह जाती है मात्र आपकी चंबा की। और अभी 8:25 हुए हैं और हम खाड़ी पहुंच गए। मेरे ख्याल से हम 7:45 तक चंबा पहुंच जाएंगे, ऐसे 20 मिनट ही लगेंगे। मैं तो खाड़ी से एक रास्ता दोस्तों देवप्रयाग का जाता है, चंद्रमंदिरी मंदिर का भी रास्ता जाता है यहाँ से राइट। तो यहाँ से राइट हो जाए तो दोस्तों हम चले जाएंगे देवप्रयाग और हम जाएंगे सीधा चंबा। गजा 20 किलोमीटर है यहाँ से राइट होगी। तो अब हम चंबा तक दोस्तों ऊपर चढ़ेंगे। रोड देखो आप कितनी ज़बरदस्त है यहाँ से, बहुत ज़बरदस्त रोड है। तो मसूरी वाला जो हाईवे है ना दोस्तों, देहरादून से मसूरी और फिर मसूरी से धरोल्टी, वो तो बहुत, मसूरी से धरोल्टी तो खैर लास्ट के 30 किलोमीटर बहुत टफ हाईवे है, वो भी दिखा दूंगा मैं आज आपको। मगर ये जो हाईवे है ना चंबा तक ऋषिकेश से, ये बहुत बेटर है देहरादून से मसूरी से, ज़्यादा अच्छा है। ट्रैफिक भी नहीं है, ट्रैफिक भी नहीं, रास्ता है। और ऋषिकेश से बताऊँ तो मैं लगभग 1 घंटा 5 मिनट हुआ है मैं यहाँ पर, और हम यहाँ आ गए चंबा पहुँचने वाले हैं। ना आपको जाम की टेंशन, ना आपको नो एंट्री की टेंशन कि आपको जाने नहीं देंगे या ट्रैफिक जाम हो जाएगा, कुछ भी नहीं, बड़ा फ्रीली आप यहाँ से जाएंगे, बट टेंशन फ्री, हर चीज़ की सुविधा मिलेगी। चंबा बहुत बड़ा शहर है, आपको हर चीज़ मिलेगी वहाँ भी। तो फिलहाल हम ऊपर चढ़ रहे हैं और आप रोड की कंडीशन देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। हमारे भाई हैं UK07DY1129 और ये बहुत गलत गाड़ी चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत। तो दोस्तों चंबा हम पहुंच गए हैं, सामने है चंबा और टाइम जो हुआ है वो 8:45 होने वाले हैं, 2 मिनट है। तो लगभग लगभग अगर मैं मानूँ तो 1.5 घंटा लगा है हमें रायवाला से। और ये कट आ गया दोस्तों, यहाँ से हम लेफ्ट हो जाएँ तो हम चले जाएँगे गंगोत्री धाम के लिए, उत्तरकाशी के लिए। ये नया रोड है दोस्तों जो टनल में से होके जाता है, और हर्षिल के लिए भी यहीं से लेफ्ट होना है, ऑल वेदर रोड जो नया बना है। और हम जाएंगे सिटी के अंदर क्योंकि सिटी से लेफ्ट होना है अंदर जाके। तो मेन सिटी में हम आ गए हैं, यहाँ से राइट होके ऊपर चले जाएँ तो दोस्तों हम चले जाएँगे नई टिहरी, सीधे चले जाएँ तो हम चले जाएँगे टिहरी डैम डाउन में, और यहाँ से हम हो जाएँगे लेफ्ट धनोल्टी के लिए। ये वन वे रोड है जाने की यहाँ से है, और वापसी जब हम आते हैं इस रूट से तो हमें थोड़ा आगे से घूम के आना होता है। तो अब हम धनोल्टी की तरफ बढ़ेंगे। कभी आप यहाँ पे आओ तो चंबा के पकोड़े ज़रूर खा के देखना दोस्तों, क्या ज़बरदस्त पकोड़े मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ से हम हो जाएंगे सीधा, तो थोड़ा सा यहीं पर आपको हल्का सा रश मिलेगा, और ये ज़्यादा नहीं है, दिन में भी इतना रहता है, इतना अभी है, इतना दिन में रहेगा। तो 8:45 का टाइम हो गया है और हम हैं फिलहाल चंबा में, और अब यहाँ से थोड़ा रोड की चौड़ाई भी कम हो जाएगी, लास्ट के 30 किलोमीटर हम चलेंगे थोड़ा कम चौड़ाई वाले रोड पे। तो चंबा क्रॉस करते हैं, मिलते हैं आगे आपसे। तो हार्डली 5 मिनट लगे हमें सिटी को क्रॉस करते हैं, वो भी स्कूल टाइम था तो थोड़ा सा जाम था हल्का सा। और राइट साइड में जो भाई साहब चोटियाँ लबालब हो रखी ना बर्फ़ की, तो दिख रहा है कि जनवरी में धनोल्टी पर अच्छी खासी बर्फ़बारी होने वाली है। तो मैंने कहा भाई जिससे पहले बर्फ़बारी हो अपने भाइयों को रास्ता दिखा दूँ, मेरे भाई ये देहरादून के जाम झूम में ना फंसे रह जाएँ। मतलब चंबा में ये हालत हो जाती है, एक बार मोमो खाने के लिए उतरे दोस्तों यहाँ पर, हमारे हाथ कांप रहे थे, इतना ठंडा था, इतना ठंडा हो रहा था चंबा। अब आसपास अब धनोल्टी है, फिर राइट साइड में गंगोत्री ग्लेशियर है, तो ठंडे जब होंगे ही हुआ है, बर्फ़ पड़ेगी ना, तो ठंडा पड़ेगा ही पड़ेगा।
साल जनवरी में क्या हुआ दोस्तों कि आपका इतनी ज़्यादा बर्फबारी हो गई धनोल्टी में कि ना तो होटलों में जगह थी और ना ही अब ट्रैफिक में रिलीफ था, जिस वजह से इन लोगों ने क्या करा कि जिनकी बुकिंग थी ना उन्हीं को अलाउ करा और बाकी घूमने नहीं जा सकते थे आप धनोल्टी। तो मैक्सिमम गाड़ियाँ इन्होंने मसूरी से पहले से लुटा दी वापस, क्योंकि मसूरी में भी बहुत जाम लग गया था बर्फ़ पड़ने की वजह से। तो फिर हमें आइडिया आया, हमने कहा एक बार हम इधर से जाके देखते हैं, क्या इधर से भी रास्ता ब्लॉक कर रखा है। तो ये रास्ता बिल्कुल स्मूथ था, हम इससे धनोल्टी भी निकल गए बड़े आराम से। उस टाइम पे आपको ऊपर ये पोस्टर दिख रहा होगा वीडियो का, हमने बर्फ़ में गाड़ी चलाई थी, हम सुरगंडा देवी भी गए थे उस टाइम पे। तब हमें लगा कि नहीं यार, हम लोगों को अपने भाइयों को ये रास्ता दिखाना चाहिए कि कोई इतनी दूर से दिल्ली से या कहीं से भी आ रहा है और उसे आपका देहरादून से वापस लौटा दिया जाता है, कि नहीं भाई आगे ट्रैफिक जाम है, आगे बर्फ़बारी ज़्यादा हो गई, गाड़ी नहीं जा सकती, कम से कम सेम डे के लिए तो जाने दें। तो ये जो नीति है ना कि भाई जिसकी बुकिंग है वही आगे जाएगा, वो गलत है। तो फिर हमने यहाँ का रूट दिखाया, तो यहाँ का रूट दिखाने से बेनिफिट ये हुआ कि हमारे कई भाई उस टाइम पे कमेंट भी आया हमें, वो यहाँ से होकर आए और बड़े आराम से स्मूथली अपना सफ़र करके आए। तो इस बार इसलिए मैंने ये रास्ता आपको दिल्ली से कनेक्ट करके दिखाया कि अब एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद बर्फ़ पड़ने वाली है, तो आप आराम से इंजॉय कर सकें यहाँ से। जो बाहर का आदमी होता है उसके लिए यही चीज़ होती है कि मसूरी से ऊपर हमें धनौल्टी जा रहा है, जहाँ बर्फ पड़ तो वाय मसूरी जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि वाय मसूरी जाना है, हम अगर धनौल्टी जाते हैं तो हमें यहाँ से अगर जाएंगे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन, ज़्यादा बेटर ऑप्शन। और धनौल्टी में अगर आपको रूम ना भी मिले तो बीच में इतने होटल पड़ेंगे, इतने रेस्टोरेंट पड़ेंगे यहाँ पे, भला आप धनौल्टी के 10 किलोमीटर के दायरे में बहुत जगह ऑप्शन है आपके पास रूम लेने। और रात को भी अगर आपको लेट आता है तो ये रूट ऋषिकेश तक मतलब बहुत ओके है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऋषिकेश तक आप इजीली इस पर जा सकते हैं। तो पूरा रास्ता आपको ऐसे मिलने वाला है, और यही 30 किलोमीटर का रास्ता आपका मसूरी से भी सेम है, इतना ही चौड़ा है, तो चंबा से भी आपको सेम रास्ता मिलने वाला है। मगर मसूरी से धनौल्टी का रास्ता बिजी रहता है, चंबा से धनौल्टी का रास्ता खाली रहता है, तो ये फ़र्क मिलेगा आपको बस। कंडीशन तो बिल्कुल अच्छी है, बढ़िया रोड है, और थोड़ा सा चौड़ा भी हो गया रोड, आप देख सकते हो। चंबा से 5 किलोमीटर ही रोड छोड़ा है, छोटा है चौड़ाई में, उसके बाद तो रोड ठीक है। ये रास्ता ना जो स्लो पड़ जाता है ना, तो ये रास्ता बहुत सुंदर हो जाता है चंबा के बाद, बिल्कुल मेरे स्नो में बनाई थी वीडियो, आप देख लेना एक बार स्नो में कैसा हो जाता है रास्ता, ये दोनों तरफ स्नो ही स्नो होता है ना, अच्छी खासी बर्फ़ पड़ती है। और अभी भी इतनी ठंड है ना दोस्तों, यहाँ पे आज 21 दिसंबर है और अच्छी खासी ठंड पड़ रही है यहाँ पे, बर्फबारी तो अभी स्टार्ट नहीं हुई है और होने वाली है 25 तारीख के बाद। जड़ी पानी पहुंच गए हम, और यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में होटल्स वगैरह अवेलेबल हैं, और पिछले धर्मशाला का बोर्ड भी लगवाया था। 17 किलोमीटर दूरी है यहाँ से धनौल्टी की और मसूरी की 44। तो मैं जैसा बता रहा था आपको, यहाँ पे अच्छे खासे होटल्स वगैरह मिल जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, होम स्टे भी है यहाँ पे, जिन भाइयों का बजट कम हो वो होम स्टे में भी रुक सकते हैं, वो भी होटल के बराबर से ही होते हैं। काना ताल दोस्तों हम पहुंच गए हैं, और यहाँ पे एडवेंचर्स के लिए काफ़ी जगह है, तो यहाँ पे एडवेंचर्स के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। काना ताल जो धनौल्टी वगैरह घूमने आते हैं लोग, तो यहाँ भी ज़रूर आते हैं, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज़ करने के लिए।
और यहाँ पे सफारी भी होती है दोस्तों राइट साइड में। सामने देख सकते हैं गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर्स पर अच्छी खासी बर्फबारी हो रखी है। मात्र 11 किलोमीटर के आसपास दूरी रह गई है। सामने पहाड़ों का जो नज़ारा है ना, जब आप यहाँ पे आएंगे तो खुद देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा धुआं सा छाया हुआ है ना तो क्लियरिटी आएगी नहीं। सामने देखिए आप क्या जबरदस्त सीन है, टेंपल है पूरा एक, जो कद्दूकाल जगह है दोस्तों वो वही जगह है जहाँ से माँ सुरगंडा देवी का मंदिर की चढ़ाई शुरू होती है। कद्दूकाल दोस्तों हम पहुंच गए हैं और यहां से स्टार्ट होता है माँ सुरगंडा देवी का ट्रैक, आप देख सकते हैं। और अब यहां पे रोपवे की सुविधा भी है, तो यहां पे आके आप अपना पार्किंग तो कहीं भी लगा सकते हैं, जहां आपको जगह मिले रोड के किनारे आप गाड़ी लगा लीजिएगा। जब बर्फबारी होती है ना दोस्तों तब इतनी भीड़ होती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मज़ा भी आता है। तो हमने इसका एक पूरा ब्लॉग बनाया था ट्रैक का, आपको शो हो रहा होगा, आप चाहें तो देख सकते हैं हमारी वीडियो में जाके। यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी रह जाती है मात्र आप धनौल्टी की। तो आप देख सकते हैं सामने बोर्ड आ गया, वेलकम टू धनौल्टी। कहीं ना कहीं धनौल्टी के आउटर पे हम आ गए हैं। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मकसद था वो यही था कि आप सभी अच्छे से यात्रा कर सकें और अच्छा रूट देख सकें, जाम फ्री रूट देख सकें। दिल्ली से फ़िलहाल जो देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है उसमें छुटवलपुर के बाद काफ़ी जाम मिलता है। एक तो वो टनल का काम चल रहा है वहाँ पर जाम है, फिर टनल जैसे क्रॉस करोगे देहरादून की तरफ बढ़ोगे तो 4 लेन की कटिंग हो रही है वहाँ जाम है, तो आप देहरादून तक ही थक लोगे। तो इससे बेटर है कि आप वाया ऋषिकेश चंबा होते हुए इस रूट से आएँ। आप मसूरी जाना चाहें तो मसूरी भी यहाँ से जा सकते हैं, और आप अगर धनौल्टी जाना चाहें तो धनौल्टी भी आप आराम से यहाँ से आ सकते हैं। दिल्ली से जो यहाँ की दूरी बैठी है बताया था आपको 322 किलोमीटर बैठी है, जिसे क्रॉस करने में बताया था आपको कितना समय लग गया हमें, पूरे 5 घंटे लग गए दोस्तों, क्योंकि 9:32 हुए हैं। तो इस रूट को मैं दिखाया मैंने आप लोगों को इसलिए दिखाया कि भैया आप बगैर जाम में फंसे इस रूट का यूज़ करके बड़े आराम से आ सकते हैं। अगर आप हरिद्वार आए हैं तो हरिद्वार से भी आप इसी रूट का यूज़ कीजिए। एक बेनिफिट ये है कि आप हरिद्वार ऋषिकेश घूमते हुए धनौल्टी जा सकते हैं इस रूट से। तो धनौल्टी में हम अंदर एंटर कर गए हैं, 375 रुपये के दोस्तों हमारे टोल लग गए इस रूट पर, और धनौल्टी में हम आ गए। फिलहाल बर्फबारी हुई नहीं है जिस वजह से थोड़ा खाली है, मगर बहुत जल्द एक आध दिन में बर्फबारी यहाँ होने वाली है, भविष्यवाणी हो गई है मौसम विभाग द्वारा। तो 25 दिसंबर के आसपास यहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी होगी। तो यही रूट था दोस्तों जो हमें आपको दिखाना था, और ये धनौल्टी का पूरा नज़ारा फिलहाल। तो आशा करते हैं आप सभी को ये हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धनौल्टी हम पहुंच गए हैं और हमें 5 घंटे लगे हैं पूरे धनौल्टी तक पहुंचने में। अब नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों मैं आपको धनौल्टी से देहरादून तक का रूट दिखाऊंगा वाया मसूरी, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या कंडीशन है रूट की फिलहाल 2022 दिसंबर में, अगर आप वाया देहरादून आते हैं तो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, धन्यवाद। तो दोस्तों ये नज़ारा है फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं।
चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो फिलहाल चोटियाँ ऐसे लदी हुई हैं। तो ये धनोल्टी का नजारा, व्यू देखिए आप सामने, क्या जबरदस्त है। और रोड की हालत है बहुत ज्यादा खराब, आप देख सकते हैं। मुझे काफी तसल्ली हुई है कि मैंने आपको एक अच्छा रोड दिखाया। एक कट आ गया दोस्तों, यहाँ से राइट होकर मसूरी जा सकते हैं हम, 4 किलोमीटर है दोस्तों। वो कट आ गया है जहाँ से मसूरी के लिए हम राइट हो जाएंगे और 2 किलोमीटर दूरी रह जाएगी मसूरी की। 52 मिनट लगे हमें यहाँ तक पहुँचने में। तो यहाँ से राइट हो जाएं दोस्तों तो हम चले जाएंगे मसूरी, जो 2 किलोमीटर है। हम हो गए लेफ्ट देहरादून के लिए दोस्तों। गढ़ी कैंट से हम हो जाएंगे राइट, क्योंकि हमें जाना है प्रेमनगर साइड, और सामने आ जाएगा चौक, सीधे चले जाते तो। तो अगर मैं समय की बात करूं तो 1.5 घंटे में हम धनोल्टी से ऑलमोस्ट देहरादून पहुंच ही गए हैं।